इतनी बुरी हूँ तो मत करो मुझसे दोस्ती। तो रहने दो फिर। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। मेरी नानी भी तो नचदा क्यों नहीं मैं तेनू वेखा। गुरूर तो होगा ना, घर में सबसे छोटे बेटे की मोहब्बत हूँ मैं। ये जो गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों को नॉर्मल गाड़ियों की लिस्ट में नहीं डाला जाता है। इन गाड़ियों को यमराज के यमदूत का दूसरा रूप माना जाता है। 99.9% इसके अंदर जो बैठा हुआ आदमी होता है या तो क्रिमिनल है या तो पॉलिटिशियन है। और अगर आप इन तीनों गाड़ियों को एक साथ चलते हुए देखें तो मान लीजिएगा दुनिया काट। नॉर्मल गाड़ी नहीं है, चलता फिर तो शमशान घाट है। अब जैसे ही से रोड पे लेके निकलेंगे ऑटोमेटिक लोग की गांड जलना आपसे चालू हो जाएगी। मानिए आप बहुत शरीफ हैं, वायलेंस से दूर रहते हैं, लेकिन गलती से भी आप कभी इस गाड़ी में बैठ गए तो पता नहीं क्यों आपका हमेशा वेपन कैरी करने का मन करने लगेगा। गाड़ी नहीं है ये, यमदूत है। लोगों को यार गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, पता नहीं यार क्या मिलता है तेज चला के। जिनकी औलादे सपने देखती है हमारे जैसे बनने के। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, पता नहीं तू कहां से पसंद आ गई। गाड़ी एक ऐसा शौक है जिसको डल जाएगा ना वो किसी और शौक में नहीं। देखिए आपकी यंग उम्र होती है, आप कह रहे कि लोग डेट पे जाते हैं, पैसे खर्चते हैं, वो जिसके पास गाड़ी होती है वो सारे पैसे गाड़ी को खर्चते हैं। हाँ, लोग हमें बैक बेंचर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम क्लास में सबसे पीछे और मैटर में सबसे आगे रहते हैं। औकात के बाहर है लेकिन क्यूट तो है, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, पता नहीं तू कहां से पसंद आ गई।